चलिए खबर राजधानी से, जहां पर प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर स्टेशन से ट्रेन रवाना होकर पटना पहुंचेगी। ट्रेन में करीब 1200 प्रवासी मजदूरों को भेजने की सूची बनाई गई है। इससे पहले नागौर से मजदूरों को रोडवेज बसों में बैठाकर जयपुर रेलवे स्टेशन लाया गया, जहाँ से उन्हें ट्रेनों से अपने घर पहुँचाने की तैयारी की गई है। इस दौरान जयपुर जंक्शन पर पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है। इसके अलावा मेडिकल की टीमों ने मजदूरों की स्क्रीनिंग की और मजदूरों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं। मंत्रालय के आदेशों के बाद राजधानी जयपुर के अंदर जो है राज्य सरकार जो प्रवासी मजदूर है उनको घर पहुंचाने का काम कर रही है। अभी जयपुर जंक्शन पर एक स्पेशल ट्रेन है जो मजदूरों को लेकर रवाना होगी, और जो ये ट्रेन है जो बिहार के खासतौर पर मजदूर है, कुल 1200 मजदूर है जिनको नागौर से यहाँ बसों से लाया गया है, उनकी स्कैनिंग कराई जा रही है। स्कैनिंग के बाद ही स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इन मजदूरों को जो है केंद्र सरकार के आदेशों के बाद यहाँ से जो है ये ट्रेन पटना लेकर जाएगी। तो इस ट्रेन के माध्यम से जो ये मजदूर है जो है अपने घरों की तरफ जाएंगे। तो ये राज्य सरकार की तरफ से कहीं कहीं मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा लगातार जो है VC के अंदर ये मुद्दा उठाया गया था प्रधानमंत्री के सामने कि मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चली जाए। तो गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रेलवे ने जो स्पेशल ट्रेन चलाई है उसके माध्यम से मजदूरों को घर भेजा जा रहा है। हनुमान सिंह चारण A1 TV जयपुर।